अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई एम फाइन, आई होप यू आर आल्सो फाइन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर हम 7 जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। इससे पहले मैंने आपको डिवीजन का बताया था कि क्वेश्चन किसे कहते हैं, डिवाइडेंड किसे कहते हैं, डिवाइजर किसे कहते हैं और रिमाइंडर किसे कहते हैं। इससे लास्ट लेक्चर में ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। डिवाइड द फॉलोइंग, आपने डिवाइड करना है 4042 को 28 पर डिवाइड करना है। सबसे पहले हम फर्स्ट डिजिट को देखेंगे, वो 4 है, नेक्स्ट डिजिट हमारा 0 है, तो ये 40 है और जिससे हमने डिवाइड करना है वो हमारा नंबर है 28। ठीक है, तो 28 जो है वो लेस है 40 से। ठीक है, 28 का टेबल हम देखें, 28 वन सा 28 होते हैं और 28 को 22 पर लेके जाते हैं टेबल पर, तो हमारा आंसर आता है 56। तो ये हमारा 56 जो है वो ग्रेटर हो जाता है 40 से, इसलिए हम किस पर लेके जाएंगे, 28 वन सा 28। अब इसको हम माइनस करेंगे, 0 में से 8 हमारे नहीं कट हो सकते हैं, यहाँ 7 वाले नंबर से 4 से कैरी लेंगे, 10 में से 8 हम कट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2। अब 3 हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर बचा था, 3 में से 2 कट करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये हमारा जो नंबर आ गया 12 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट नंबर हम अगला उतारेंगे 4। ठीक है ना, 4 अगला नंबर हम 4 उतार लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 124। अब 28 का टेबल हम 4 पर अगर लेके जाते हैं तो हमारा आता है 112 आता है, अगर हम 28 का टेबल 5 पर लेके जाते हैं तो हमारा 140 आता है, 140 बढ़ जाता है। इससे हमने 124 के इक्वल हमने नंबर लेके आना है या 124 के से कम लेके आ जाना, लेके आना है 124 से जो है अगला नंबर ना आए, ठीक है ना, इससे बड़ा नंबर ना आए। तो अगर हम 28 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 112 आते हैं, अगर 28 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 140 आते हैं। 140 जो नंबर है वो हमारे पास बढ़ जाता है, इसलिए हम कौन सा नंबर लिखेंगे, 28 4 पे हम लेके गए हैं 112 लिखेंगे। इसको माइनस करेंगे, 4 में 2 कट करेंगे तो हमारा 2 आएगा, 2 में से 1 कट किया तो हमारा 1 आएगा। अब नेक्स्ट नंबर हमारा एक बच गया है, उसको हम ऐसे 2 को नीचे उतार लेंगे तो हमारे पास ये नेक्स्ट नंबर बन जाएगा 122। अब हम फिर अगेन जो है ना 28 का टेबल 4 तक लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 112, अगर हम 5 पर लेके जाते हैं तो 140 आते हैं, 2 में से 2 कट करेंगे 0, 2 में से 1 कट करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, तो 10 हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा और 144 हमारा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, ये आपका ए पार्ट कंप्लीट हो गया, बी पार्ट इसी तरह से आपका ये है, ये देखें 1064 को आपने 26 पे डिवाइड करना है, सेम यही आपका प्रोसीजर इसमें भी आएगा कि किस तरह आपने डिवाइड करना है। नेक्स्ट पेज पे आएँ, नेक्स्ट पेज पे आपका पार्ट नंबर सी है, ठीक है, पार्ट नंबर सी देखें, ये देखें 6485 को आपने डिवाइड करना है 31 पे, तो लाइक दिस, बिल्कुल ऐसे ही तरीके है जैसे पहले मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो समझाया है। ये तीनों क्वेश्चन आपने इनकी प्रैक्टिस भी करनी है और नोटबुक पर आपने नीट राइटिंग में लिखने हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।